नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में महंगे शौक पूरे करने के लिए जुर्म की दुनिया में उतरकर छात्रों के द्वारा एक बैंक चोर गैंग चलाने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल के साथ 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक छात्र नाबालिग है तो वहीं दूसरा छात्र कुश्ती का नेशनल प्लेयर है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड भी दोनों सगे भाई हैं। पुलिस सभी को जेल भेजने की तैयारी में लगी है। टोटल जो हैं, जो 6 लोग हैं वो पकड़े गए हैं और इनसे टोटल 8 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई है। क्या प्रोफाइल है सब पकड़े गए अपराधी? ये सारे 12th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कुछ इसमें एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहे थे, BSc, और एक इनमें नाबालिग भी है जिसका नाम अमन है, उसकी उम्र 17 साल है। उसके भाई के साथ थे हर्षित, जो मेन जो थे इनमें 3 थे, हर्षित था, एक ये अमन था और एक हिमांशु था। तो ये तीनों बाइक उठाते थे, उनके नंबर प्लेट चेंज करते थे और उसके बाद जो बाकी 3 लोग थे, जतिन, वरुण और अखिल, इसके थ्रू ये बाइक बेचते थे। इनमें से एक यमन नाम का लड़का है, वो फरार है अभी। उसके पास बताया जा रहा है कि उसके पास 3-4 बाइक्स और हैं जो कि उसके पकड़े जाने पर बरामद की जाएगी। इसमें एक जो जतिन है वो रेसलिंग का प्लेयर रहा है और यहाँ पे वो 1-2 महीने से रह रहा था और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा था और साथ साथ इनके साथ बाइक बिकवाने में इनकी मदद करता था। नहीं, पुराना कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, ये फर्स्ट टाइम इनका वो हुआ है। ये जैसे रामगंगा विहार में मिड टाउन है तो उसमें जाते थे बिना शादी इनविटेशन के, वहाँ पे खाना खाते थे, उसके बाद आते हुए बाइक उठाते थे। ज़्यादातर इनका टारगेट जो रहता था वो स्प्लेंडर बाइक रहती थी, इनके पास मास्टर की रहती थी, उससे उसका लॉक खोलते थे और उसको लेके जाते थे। ये यहाँ से नवंबर से ये रह रहे थे यहीं पे, इन्होंने आगे एक रूम लिया था तो उसके बाद से ही ये वारदातें होनी शुरू हुई थी। सर, एजेंसी वालों को भी आपको लेटर जारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली कोई वीकनेस है इसमें कि जैसे स्प्लेंडर बाइक्स ही उठती हैं तो इनके पास जो की है उससे इजीली वो, क्योंकि जो 8 की 8 बाइक हैं वो सारी स्प्लेंडर ही बरामद हुई हैं तो उसमें हो सकता है उसके लॉक में कोई वीकनेस हो। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कार और बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बस और कार खाई में जा गिरी जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सड़क हादसे से बिगड़ते हालातों पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच कर काबू पाया। किस तरह से ये हादसा हुआ है, क्या रहा है? ये इसमें एक बस और एक कार की जो है टक्कर हुई है, जो भी है ये खाई में गिरे हैं। तो इसमें टोटल बताया जा रहा है कि 4 लोग कार में थे और 2 बस में थे। 6 लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया है, बस में कोई पैसेंजर नहीं था, बाकी उनको हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे की कोई खास वजह रही है तो? नहीं, अभी उनकी सबकी जांच की जा रही है, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बेसिस पे कार्रवाई होगी। 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। मतदाता दिवस की शपथ शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कुचामन उपखंड में निर्वाचन अधिकारी बाबूलाल जाट की अध्यक्षता में दिलाई गई। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारियों ने कुचामन महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हुए बिना जाति लिंग भेद और बिना किसी प्रलोभन के अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव चिलसरा में नहीं हो रहा कोई विकास कार्य। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी नहीं कराते हैं कोई काम और न ही किसी ग्रामीण की कोई सुनवाई होती है। इन हालातों को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि इस गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जांचें भी हुई मगर कुछ नहीं, सत्ता पक्ष में आके दबाव में सब मामला गुलमोल हो जाता, कुछ नहीं हो पाता। हम सरकारी समय से डायरेक्टर भी हैं चिलसरा से और तमाम चीज़ें हैं, कुछ नहीं मसला हल हो रहा। यहाँ से इसी रोड पे आगे जाके आपको जूनियर स्कूल भी है हमारे यहाँ, इसी पे आगे वहाँ भी बच्चों का जाना भी दूभर है, पढ़ने लिखने जा नहीं पाते। जिला पंचायत में भी गए, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी मांग की, विधायकों से भी मांग की, यहाँ तक कि सांसद से मैंने प्रार्थना पत्र दिया, हमारे यहाँ आए थे और उनके घर पर भी जाके प्रार्थना पत्र दिया। उसी संबंध में हमने बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चे कम से कम बच्चों के रास्ता सही हो जाए स्कूल के लिए, मगर उस पर कोई गौर नहीं किया गया, कुछ नहीं हो रहा। अपनी गली साफ करना, अपना दरवाजा साफ करना, ये चल रहा है।
इसी रोड पे मंदिर है, मंदिर तक एक जखैया मंदिर भी आ गए, मंदिर है जो जो हिंदुओं के यहाँ करीब 65% हिंदू आबादी हमारे यहाँ है, और जखैया मंदिर सारे लोगों की आस्था लगी हुई है, हम लोग भी वहाँ जाते हैं अपना जो भी है, मगर जाने आने के लिए बहुत रास्ते खराब है। आप तो उप जिला अधिकारी ने मतदाता दिवस पर अधिवक्ता और तहसील के कर्मचारी व दूर दराज से आए नागरिकों को दिलाई शपथ। वहीं आपको बता दें कि करहल तहसील प्रागरण में आयोजित हुआ कार्यक्रम, इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार, अमित लेखपाल, संघ अध्यक्ष विनय यादव आदि नागरिक उपस्थित रहे।